हेलो गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको एक काफी पावरफुल एलईडी लाइट बनाकर दिखाऊंगा। तो गाइस, मैं इसमें ना पूरा 200 पीस एलईडी लगाया और आप देख ही सकते हो इसे देखने में काफी मस्त लग रहा है। तो एलईडी को कंट्रोल करने के लिए मैंने इसके अंदर मॉड्यूल लगाया और गाइस देख सकते हो इसमें डिस्प्ले भी है, तो इससे हम वोल्टेज और एम्पियर देख सकते हैं। और गाइस, एलईडी का कूलिंग के लिए मैं इसका पीछे के साइड में इस तरह का दो वेंटिलेशन बनाया और इसका डिजाइन भी मैं काफी यूनिक बनाया, तो देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। तो इस कंट्रोलर से हम एलईडी का ब्राइटनेस अपने हिसाब से ही कम ज्यादा कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इसमें 200 पीस एलईडी लगाया और आप सोच ही सकते हो कि 200 पीस एलईडी का ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होने वाला है। तो गाइस, ये रिचार्जेबल है तो आप इसे चार्ज करके मस्त यूज कर सकते हो और इसका बैकअप भी काफी अच्छा है। तो गाइस, मैं इसे काफी यूनिक बनाया और आप भी इसे आसानी से घर पे ही बना सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगे ना लाइक कर देना। तो फिर चलिए इसको बनाते हैं। तो गाइस, इसका बॉडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पीवीसी पाइप का शीट को ले लिया और इसका जो लंबाई है 16.8 सेंटीमीटर और इसका चौड़ाई है 12.2 सेंटीमीटर। तो आपको भी ऐसे ही मेजरमेंट का एक शीट ले लेना है। उसके बाद गाइस, मैं इस तरह का दो पीस शीट ले लिया और इस दोनों शीट का भी मेजरमेंट सेम है। तो इसका लंबाई है 16.8 सेंटीमीटर और इसका चौड़ा है 4.5 सेंटीमीटर। अभी गाइस, इस शीट को हमें इसके साइड में कुछ इस तरीके से सेट करना है। तो गाइस, इसी तरीके से हमें दोनों साइड में दोनों शीट को सेट कर लेना होगा। तो मैं फेविक्विक से दोनों शीट को बढ़िया से चिपका देता हूँ। अभी गाइस, इसका इस साइड और इस साइड को कवर करने के लिए मैं इस दोनों शीट को ले लिया। तो इस दोनों शीट को मैं इसके दोनों साइड में सेट कर देता हूँ और गाइस देख सकते हो इसका बॉडी बन गया है। तो गाइस, इसका पीछे के साइड में वेंटिलेशन बनाने के लिए मैंने इसका डिजाइन कर दिया और मैं इसमें दो वेंटिलेशन बनाऊंगा और इस डिजाइन को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा। तो आप भी इसे आसानी से बना सकते हो, सिर्फ आपको टाइम देना है तभी तो अच्छा बनेगा ना। तो इसका नीचे के साइड पर भी मैंने मार्किंग कर दिया। अभी गाइस, इस सभी को हमें कटिंग कर लेना है। तो मैं इसको कैसे काटता हूँ वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे इस ड्रिल मशीन को ले लिया। तो पीवीसी शीट में जितना भी सारा ग्रुप वगैरह काटिंग करना होता है मैं इससे ही काटिंग करता हूँ और अभी मैं इस ड्रिल मशीन से ही इसमें सारा कुछ काटिंग वगैरह करूंगा। तो मैं आपको काटिंग करके दिखाने जाऊंगा ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो पहले मैं सारा कुछ काटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस, मैंने यहाँ पे इस एलईडी स्ट्रिप को ले लिया और गाइस इसमें ना पूरा 200 पीस एलईडी है। तो गाइस, ये है 4 वोल्ट का एलईडी स्ट्रिप और 200 पीस एलईडीज को मिलाकर ये है 21 वाट का। तो गाइस, अभी इस एलईडीज को हम ऐसे ही जला नहीं पाएंगे क्योंकि ये जलने के टाइम में ना बहुत ज्यादा हीट होता है। तो इसका पीछे के साइड में हमें हीट सिंक लगाना होगा। तो हीट सिंक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस एल्यूमिनियम का चैनल को ले लिया और गाइस, ये चैनल आपको हार्डवेयर शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। तो ये काफी बड़ा था तो मैं इसे अपने हिसाब से मेजरमेंट के अनुसार काटिंग कर लिया। तो इसी के जैसा मैंने यहाँ पे टोटल 8 पीस चैनल काटिंग कर लिया। तो अभी सभी चैनल को हमें कुछ इस तरीके से एक साथ में फिक्स कर लेना होगा। तो फटाफट मैं सभी को फिक्स कर लेता हूँ और गाइस देख सकते हो मैं सभी एल्यूमिनियम चैनल को फिक्स कर लिया और हमारा हीट सिंक बनकर रेडी हो गया है। तो इसका जो लुक है ना देखने में काफी मस्त लग रहा है। तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि हमने इस हीट सिंक को मार्केट से खरीदा। अभी गाइस, एलईडी स्ट्रिप को हमें इस हीट सिंक के ऊपर कुछ इस तरीके से सेट करना होगा। तो मैं इसे फेविक्विक से चिपका दिया। उसके बाद इस एलईडी स्ट्रिप का हमें कनेक्शन करना होगा। तो सभी एलईडी स्ट्रिप को मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। तो सभी का पॉजिटिव पिन को एक साथ कनेक्ट करूंगा और नेगेटिव पिन को भी एक साथ कनेक्ट करूंगा। तो फटाफट मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ। और गाइस देख सकते हो मैंने एलईडी का कनेक्शन कर दिया। अभी एलईडी को पावर देने के लिए मैंने यहाँ पे इस 8650 लिथियम बैटरी को ले लिया। तो मैंने यहाँ पे टोटल 3 पीस लिथियम बैटरी ले लिया। एक बैटरी है 2200 मिली एम्पेयर का और गाइस है 3.7 वोल्ट का। तो तीनों बैटरी को मिलाकर 6600 एमएच का बन जाएगा। तो काफी पावरफुल हो जाएगा। अभी गाइस, इस बैटरी को ना मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा कुछ इस तरीके से। तो तीनों बैटरी को मैंने हॉट ग्लू से फिक्स कर दिया। ऊपर के साइड में है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नीचे के साइड में है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अभी इस पॉजिटिव नेगेटिव पिन को हमें वायर से कनेक्ट करना होगा और ऊपर का साइड में इस दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पिन को भी एक साथ कनेक्ट करना होगा। तो गाइस, मैंने इस पॉजिटिव और नेगेटिव पिन को एक साथ कनेक्ट कर दिया और इस साइड का नेगेटिव और पॉजिटिव पिन को भी एक साथ कनेक्ट कर दिया। अभी बैटरी का प्रोटेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे इस 3S20 एम्पीयर का इस BMS को ले लिया और गाइस, इसमें सारा कनेक्शन प्रिंटेड है। तो यह पे 0 वोल्ट का पिन और यह पे 4.2 वोल्ट का और यह पे 8.4 वोल्ट का और यहाँ पे 12.6 वोल्ट का। और गाइस, ये दोनों पिन है आउटपुट का पॉजिटिव और नेगेटिव। तो BMS को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और गाइस, आप इस डायग्राम को देखकर भी इसका कनेक्शन कर सकते हो। तो बैटरी है 12 वोल्ट का और एलईडी है 4 वोल्ट का। तो एलईडी को हमें कांस्टेंट 4 वोल्ट पावर देना होगा और एम्पियर देना होगा, तभी एलईडी अच्छे से ग्लो करेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस DC-DC बक बूस्ट मॉड्यूल को ले लिया और गाइस, इसका इनपुट पर हमें 5.5 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट के बीच में ही देना है और इसका आउटपुट में हमें 0.5 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट मिलेगा।
तो यहाँ पे हमें इनपुट का वायर को कनेक्ट करना होगा और इसका दूसरा साइड में हमें आउटपुट का वायर को कनेक्ट करना होगा। मॉड्यूल का आगे की साइड में एक डिस्प्ले है, तो एलईडी कितना वोल्ट और एम्पियर पर चल रहा है सारा कुछ हम यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर दो पोटेंशियोमीटर है और इसका नीचे के साइड में ही दो पॉज स्विच है और यहाँ पर दो एलईडी है। अभी गाइस इस मॉड्यूल को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे इस पीवी सीट को ले लिया, तो डिस्प्ले के लिए और पोटेंशियोमीटर और स्विच के लिए मैं इसमें कटिंग कर दिया और इसका पीछे के साइड पे मैंने डिस्प्ले के लिए एक छोटा सा ग्लास का पीस को सेट कर दिया। तो इस मॉड्यूल को हम इसके ऊपर में कुछ इस तरह सेट करेंगे और गाइस देख सकते हो इसका चारों कॉर्नर पर मैं पीवी सीट को सेट कर दिया। अभी गाइस पोटेंशियोमीटर को घुमाने के लिए मैंने यहाँ पे पेन का रिफिल को ले लिया और इसका आगे की साइड पे मैंने एक एल्यूमिनियम का पीस को सेट कर दिया। तो अभी इस पोटेंशियोमीटर को हम कुछ इस तरीके से घुमा पाएंगे और इस पॉज स्विच को प्रेस करने के लिए मैंने इसको ले लिया, तो स्विच को हम कुछ इस तरीके से प्रेस कर पाएंगे। अभी इसका इनपुट का पिन पर मैंने बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर दिया और आउटपुट का पिन पर भी मैंने दो वायर को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद गाइस बैटरी का इस पॉजिटिव पावर को मैंने बीच से काटिंग कर दिया। अभी इस रिफिल वगैरह को मैं इस होल में सेट कर देता हूँ। उसके बाद गाइस मॉड्यूल को मैं इसके साथ कुछ इस तरीके से सेट करूंगा, तो मैं इसके चारों कॉर्नर पर चार स्क्रू लगाकर बढ़िया से टाइट कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे इस ऑन ऑफ स्विच को ले लिया, तो स्विच को मैं यहाँ पे सेट कर दिया। अभी मॉड्यूल का इनपुट का पॉजिटिव वायर को और बैटरी का पॉजिटिव वायर को मैं स्विच का दोनों पिन पर कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इस डीसी सॉकेट को ले लिया, तो इसके साथ मैंने पहले से ही वायर को कनेक्ट कर दिया। तो अभी इस डीसी सॉकेट को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे एक एलईडी ले लिया और इसके साथ मैंने एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। तो अभी इस एलईडी को मैं यहाँ पे सेट कर दिया। अभी एलईडी का पॉजिटिव और नेगेटिव पिन को मैंने डीसी सॉकेट का पॉजिटिव और नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट कर दिया और डीसी सॉकेट का नेगेटिव वायर को मैंने बीएमएस के नेगेटिव पिन पर कनेक्ट कर दिया। तो अभी मैं यहाँ पे एक 4007 का डायोड ले लिया, तो डायोड का सिल्वर साइड को मैंने बीएमएस के पॉजिटिव पिन पर कनेक्ट कर दिया और डीसी सॉकेट का पॉजिटिव वायर को मैंने डायोड का दूसरा पिन पर कनेक्ट कर दिया। तो गाइस देख सकते हो मैं इसका सारा कनेक्शन कर दिया और आप भी आसानी से कर सकते हो। अभी इसको मैंने बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह से सेट कर दिया। तो ये दोनों है एलईडी का वायर। एलईडी को सेट करने के लिए बॉक्स के साइड पे मैंने छोटे छोटे चार पीस सीट सेट कर दिया और इसके ऊपर मैंने होल कर दिया। अभी गाइस मैंने यहाँ पे इस एलईडी स्ट्रिप को ले लिया, तो इसके साइड पे मैंने कुछ इस तरह का छोटा छोटा सीट सेट कर दिया और इसमें मैंने होल भी कर दिया। अभी एलईडी को मैं बॉक्स के अंदर रख दिया और इसके चारों कॉर्नर पर मैं चारों स्क्रू को बढ़िया से कस दिया। उसके बाद एलईडी के साथ मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया। तो गाइस देख सकते हो फाइनली हमारा पावरफुल एलईडी लाइट बनकर रेडी हो गया है और इसका जो लुक है ना देखने में काफी मस्त लग रहा है। चलिए अभी इसको चार्ज करते हैं। तो मैं इसको 12 वोल्ट की बैटरी चार्जर से ही चार्ज करूंगा। तो चार्जर का पिन को मैं इसके साथ कनेक्ट कर दिया और गाइस देख सकते हो इसमें ग्रीन एलईडी जल रहा है, तो ये चार्जिंग हो रहा है। अभी मैंने इसको ऑन कर दिया, तो इस दोनों पोटेंशियोमीटर से हम वोल्टेज और एम्पियर को कम ज्यादा कर सकते हैं और इस ग्रीन स्विच को प्रेस करने से मॉड्यूल का आउटपुट का वोल्टेज ऑफ हो जाता है, तो इसे फिर से प्रेस करने से ये ऑन हो गया है और इस रेड स्विच को ऑन करने से हम इनपुट का वोल्टेज और आउटपुट का वोल्टेज दोनों को ही देख सकते हैं। अभी गाइस वोल्ट का पोटेंशियोमीटर को मैं धीरे धीरे घुमा रहा हूँ, तो डिस्प्ले में वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है और एलईडी का ब्राइटनेस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। गाइस देख सकते हो 200 पीस एलईडी का ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा है। तो अभी इस लाइट को मैं बाहर ले आया और यहाँ पे ना बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन इस लाइट को जलने के बाद पूरा उजाला हो गया है, चारों तरफ एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो गाइस आप इसके ऊपर में हैंडल भी लगा सकते हो, मैं इसमें नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं इसको अलग काम के लिए यूज करूंगा। तो गाइस आपको ये पावरफुल एलईडी लाइट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक कर देना। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और एक नया वीडियो पर।